हेलो एवरीवन, इस केस का नाम है रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन। ये 1968 का केस है और ये केस और इससे पहले वाला केस सरसिल्क वाला जो केस था, ये दोनों ही केस थोड़े थोड़े सिमिलर हैं और ये दोनों ही केस अवार्ड और सेटलमेंट पे बेस्ड है। तो इस केस में जनरली क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि डिस्प्यूट क्या है ये जानना ज़रूरी नहीं है, डिस्प्यूट है ये जानना ज़रूरी है। तो इस केस में भी डिस्प्यूट जब यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास जाता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल यहाँ पे अवार्ड सुनाती है, अवार्ड सुनाने के बाद अगेन यहाँ पे जो गवर्नमेंट उसको रिसीव करती है। यहाँ पे अब जो ट्विस्ट आता है वो ये ट्विस्ट आता है कि 30 डेज यानी पब्लिकेशन के लिए जो 30 दिन का टाइम मिला है उस पर यहाँ पे वो मेन इशू होता है। तो जब गवर्नमेंट रिसीव करती है ऑर्डर को तो वो 14 अक्टूबर को करती है 1966 को। आपको अगर सन अभी नहीं भी याद है, आप डेट ध्यान रखिए 14 अक्टूबर, और इसके पब्लिकेशन इसका जो पब्लिकेशन होता है वो 15 नवंबर को होता है। तो यहाँ पे वो मोर देन 30 डेज जो है पब्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे पार्टीज़ ये कंटेंशन रखती है कि अवार्ड जो है वो इफ़ेक्ट में नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी पब्लिकेशन जो है वो लेट हुई है। अगर हम सेक्शन 17+1 को देखें जिसमें 30 डे जो है 30 दिन मेंशन है, और इसी के साथ ही सेक्शन 13+1 जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का वो इस बारे में बताता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरी जो बोर्ड की रिपोर्ट होती है, कोर्ट की, आर्बिट्रेशन की, इन सभी की जो रिपोर्ट है या जो भी अवार्ड अगर गवर्नमेंट को सुनाया गया है तो ये इसका पब्लिकेशन होना चाहिए 30 दिन में। और इसके साथ ही यहाँ पे दोनों पार्टी से कंटेंशन देती हैं कि 17 के कुछ क्लोजेस और सेक्शन 19+3 अगर हम देखें तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है, डायरेक्टरी प्रोविजन्स नहीं है, तो गवर्नमेंट को ये जो है पब्लिकेशन करना ही है। इसके साथ यहाँ पे अब इशू उभर के ये सामने आता है कि क्या जो सेक्शन 17+1 में प्रोविजंस दिए गए हैं वो मैंडेटरी हैं और डायरेक्टरी हैं। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर हम इस केस को ऑब्जर्व करें, इस केस के साथ हमें सरसिल्क लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, पहले आप उस केस को देखिएगा तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो अगर हम उस केस को देखें जिसमें ये कहा गया है कि पब्लिकेशन के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबूराम की बात करें तो ये इतना मैंडेटरी नहीं है, ये डायरेक्टरी है। अभी हम इसको देखेंगे कि क्यों पब्लिकेशन मैंडेटरी नहीं डायरेक्टरी है। तो यहाँ पे बात की गई रियल इंटेंशन की। सेकंड चीज़ यहाँ पे कोर्ट ने देखी कि रियल इंटेंशन क्या है। अगर दोनों जो पार्टीज़ हैं वो यहाँ पे काम कर रही हैं या जो भी उनका सेटलमेंट है या जो भी उनका इशू है, अगर वो ठीक है, उनकी इंटेंशन क्या है ये देखनी ज़रूरी है। और इसके साथ ही नेचर और जो भी स्टेट्यूट्स आया है, जो डिसीज़न है, उसका नेचर देखना होगा। और जो भी अगर लेजिस्लेशन है तो आप उसको ऑब्जेक्ट देखो। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे उसको पब्लिकेशन किया जाए। अगर सेटलमेंट जैसे पिछले केस में सरसिल्क में अगर सेटलमेंट हो गया है तो यहाँ पे अवार्ड के पब्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उसी तरह इस केस में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कहना ये होता है कि पब्लिकेशन मैंडेटरी कहा गया है, पब्लिकेशन ज़रूर होना चाहिए अवार्ड का, और टाइम जो लिमिट है विद इन 30 डेज ये एक डायरेक्टरी प्रोविजन है, ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है। थैंक यू।